सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि स्टमक का क्या फंक्शन है ना, डाइजेशन कैसे कैसे क्या होता है, या कब कौन सा बनता है एंजाइम, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम बताएंगे कि कौन सा पार्ट में कौन सा एंजाइम बनता है, कैसे वर्क करता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब हम ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेन का कुछ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। अब डाइजेशन होता कैसे है हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, स्टमक का मेनली तीन काम है, आपके यहाँ ध्यान दीजिए। एक तो वो फूड को स्टोर करता है, जैसे स्टमक अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट एक या 2 घंटे रखता है, प्रोटीन 3 घंटे रखता है अपने अंदर, फैट को 3 से 6 घंटा अपने अंदर रखता है। अच्छा, ये स्टमक फूड को अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें रेगुलर इंटरवल पर फूड मिलते रहेंगे, पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा 1 से 2 घंटे में, तो फिर हम प्रोटीन को यूज़ करने लगेंगे, फिर वो खत्म होगा तो फैट हमें एनर्जी देने लगेगा, तो रेगुलर इंटरवल पर हमें फूड मिलते रहेगा, तो इसलिए स्टमक फूड को स्टोर करता है। दूसरी बात, स्टमक के अंदर डाइजेशन पूरी तरह से नहीं होती है, कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, एससीएल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर म्यूकस बनता है, और फिर बनता है आपका गैस्ट्रिक एंजाइम, यानी कि केवल एंजाइम भी कह सकते हैं, स्टमक के अंदर बनता है। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे सबका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, बस यहाँ जानिए। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, इनकम्प्लीटली फूड डाइजेस्ट होता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस बनता है, और गैस्ट्रिक जूस में मतलब कौन कौन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर म्यूकस, और ये गैस्ट्रिक एंजाइम, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपको पता है। फिर यहाँ देखिए, मैकेनिकल चर्निंग करता है स्टमक, यानी कि मथने का काम करता है, समझ गए ना। एक्चुअली क्या होता है, फूड को एकदम मथ देता है, फूड को मथ देता है, उसके बाद उसमें अपना गैस्ट्रिक जूस डालता है, ठीक है? तो ये चर्न किया हुआ फूड और गैस्ट्रिक जूस दोनों मिलकर फूड का कौन सा फॉर्म हो जाता है, सेमी लिक्विड। पूरी तरह से लिक्विड तो नहीं रहते हैं वो फूड, पूरी तरह से वाटर की तरह लिक्विड नहीं रहते हैं वो, सेमी यानी सेमी लिक्विड रहते हैं, यानी कि पूरी तरह से लिक्विड नहीं होते हैं, इस फॉर्म में फूड आ जाता है। यहाँ पर फूड को स्टमक में जो फूड फाइनली हमें मिलता है उस फूड को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यहाँ देखो, माउथ में मैंने फूड डाला, फिर टीथ और टंग का काम हुआ, तो वो क्या बन गया आपका, बॉल ऑफ फूड बन जाएगा माउथ में, है ना। दांत उत जीभ अपना सब काम किया, स्लाइवा भी उसमें लगा दिया, तो बन गया बॉल ऑफ फूड। अब ये बॉल ऑफ फूड जाएगा उस फेगस में, उस फेगस की जो दीवार है उसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो के और पेस्ट बन जाएगा, यहाँ पर फूड का नाम दिया जाएगा बोलस। अब ये बोलस आगे मूव करते हुए स्टमक में जाएगा, स्टमक में भी तो मसल्स के बने होते हैं, उसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है, डाइजेस्टिव जूस है, वो चर्निंग का काम करता है, तो अब यहाँ पर फूड का फॉर्म हो जाएगा काइम, और ये काइम आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, मतलब छोटी आंत में ये भोजन जाएगा, और वहाँ पर भी ये भी बहुत सारी चीज़ सिक्रीट करता है, रिलीज करता है एंजाइम वगैरह सब, और भी दूसरे पार्ट से एंजाइम आता है यहाँ पर, और उनके साथ ये फूड मिक्स होकर क्या बन जाएगा, फूड का एक नया फॉर्म आ जाएगा, जिसको बोलेंगे काइल। तो ये भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ बात करेंगे, समझ गए ना। सो स्टूडेंट, आइए हम लोग अब जानते हैं कि, है ना, पाइलोरस क्या है और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर कि ये हमारा ये क्या है, ये हमारा ओस्फेगस है, ओस्फेगस जो है फाइनली किस चीज़ से आके जुड़ गया, ये ओस्फेगस है, ओस्फेगस ये हमारा स्टमक है, और यहाँ एक जो है, यहाँ एक भाल्व होगा, इस भाल्व को, भाल्व यानी कि एक तरह से वाशर समझिए हम लोग लोकल भाषा में, पाइरोलिक स्फिंक्टर, है ना। और उसके बाद आपका स्मॉल, उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ से, उसके बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि इस वाला फूड यहाँ तक, जब तक कि ये स्टमक के अंदर कंप्लीट चर्निंग नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से भोजन, कंप्लीट चर्निंग, पूरी तरह से भोजन यहाँ नहीं मथा जाएगा, स्टमक जब तक ले फूड को अच्छे से नहीं मथेगा कंप्लीटली, तब तक क्या आपका ये स्फिंक्टर जो है, भाल्व जो है, वाशर जो है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, वो नहीं खुलेगा, है ना। तो यहाँ पर स्टमक के अंदर फूड को अच्छे से कंप्लीट चर्निंग किया जाता है, अच्छे से उसको मथ दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है जो रिंग के जैसा जो है, आप देखिए डेफिनेशन में, रिंग लाइक मस्कुलर वाल्व, रिंग के जैसा मसल का बना हुआ एक वाल्व है, वो खुलेगा, और खुलने के बाद ये फूड जो है कहाँ इंटर करेगा, वो इंटर कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटर करेगा कहाँ, इंटर करेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में,
एंटर करेगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। तो ये पाइलोरस एक ग्रीक वर्ड से आया है, इसको ग्रीक वर्ड में, ये पाइलोरस जो है वो ग्रीक वर्ड के पाइलोन से मिलकर बना हुआ, इसका मतलब गेट। यहाँ एक जो छोटा सा होल होता है, होल जो इसको इसको जोड़ रहा है, वह होल, वह ओपनिंग, वह छेद जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई वह छेद जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को जोड़ता है उसको बोलते हैं पाइलोरस। और वहाँ पर रिंग जैसा मसल का एक बना भाल्व होगा वासर, उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये तभी ओपन होता है जब ये पूरी तरह से फूड चर्न हो जाए, मथा जाए यहाँ पर, देन ये पूरी तरह से जब चर्निंग यहाँ हो जाएगी ये खुलेगा और वो फूड आ जाएगा इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत, ठीक है। तो जैसे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखें तो ये एक लंबा सा हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब है, एक नली होती है, ये ट्यूब होती है, ठीक है ना, एक नली होती है जो लंबी होती है और काफ़ी मुड़ी होती है, ठीक है ना, काफ़ी मुड़ी उड़ी रहती है। तो इसलिए उसको कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ होना, इस तरह से चीज़ें जो है, इस तरह से फिर जो ना चीज़ें, इस तरह से चीज़ें होना, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसी तरह से कुछ आपस में मुड़ी रहती है और काफ़ी इसमें मोर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग बोलेंगे कि एक लंबा सा हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पर होगा, कहाँ पर इसका इसकी पोजीशन होगी, तो ये स्टमक, ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और आमाशय के बीच में होता है। स्टमक के जस्ट बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। 6 से 7 मीटर लंबा है और इसका डायमीटर जो होता है वो 2.5 मीटर होता है, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के बड़ी आंत के डायमीटर का आधा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर हाफ होता है लार्ज इंटेस्टाइन के डायमीटर से, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम डायमीटर के दोनों को देखें, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर देखेंगे तो इसका डायमीटर हाफ होगा इससे, लेकिन अगर लेंथ वाइज बात करें तो ये लंबाई में ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो लेंथ वाइज ये बड़ा है, ये छोटा है, बट डायमीटर वाइज ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए इसका नाम स्मॉल पड़ा है, क्योंकि इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा, इसलिए इसका नाम लार्ज पड़ा है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं क्या है विली। विली क्या है, विली एक्चुअली, विली एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड हो जाएगा है ना विलस, ठीक है ना, इसका सिंगुलर वर्ड हो जाएगा क्या आपका, इसका सिंगुलर वर्ड जो हो जाएगा ना वो विलस कराएगा, ठीक है, विलस। तो अब आप यहाँ देखिए कि विली सिंगुलर इसका विलस क्या होता है, एक्चुअली ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, इनर वॉल होती जब है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल, जैसे आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने यहाँ बना दिया, इसके अंदर में क्या होता है कि फिंगर जैसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर में फिंगर जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है ना, एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको निकले रहेंगे, समझ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवार से, है ना, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत सारे जो ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है। अब वही टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं विली, जिसका सिंगल होता है विलस। एक्चुअली क्या काम है विली का, व्हाट इज द रोल ऑफ विली, है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली। तो एक्चुअली विली का काम ये होता है कि विली जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से चिपका हुआ, और ज़्यादा संख्या में होने के कारण विली क्या करता है कि बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कराता है। तो जब फूड इन जब जब फूड जो है विली से गुजरता है, जब फूड, जब डाइजेस्टेड फूड स्टमक से फूड जो है निकलकर और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद विली से जब वो फूड गुजरता है तो ये विली क्या करते हैं, ये विली जो होते हैं फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इतनी संख्या में क्यों होता है विली, इसलिए होता है ताकि लार्ज सरफेस एरिया फूड को प्रोवाइड करे और फूड को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि इसका काम है एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया टू फूड। तो ये इसका हो गया। एक्चुअली विली जो होता है वो सिंगल इपिथेलियल सेल से ढका होता है, ठीक है, विली जो होता है आप देखेंगे सिंगल इपिथेलियल सेल से ढका हुआ होता है, सिंगल एपिथेलियल सेल से ढका हुआ होता है। दूसरी बात है कि विली से, विली जो है ना, विली से कनेक्टेड होता है, विली
बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज लिम्फ वेसल से कनेक्टेड होते हैं। ब्लड कैपिलरीज ब्लड को कैरी करता है, लिम्फ वेसल्स होता है लिम्फ को, जब ब्लड के जैसा ही वाइट लिक्विड होता है, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, उसको लिम्फ बोलते हैं। तो विली की जो है ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है, वेर विली जो है लिम्फ वेसल से कनेक्टेड होता है, और वो जो फूड एब्जॉर्ब किया है उस एब्जॉर्ब फूड को वो क्या करेगा, लिम्फ वेसल में भेज देगा, और लिम्फ वेसल से वो चला जाएगा सीधे ब्लड में चला जाएगा डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, एब्जॉर्ब फूड, ठीक है। और उसी तरह से फिर लिम्फ वेसल से वो लिम्फ जो विली जो है फूड एब्जॉर्ब करेगा, वो लिम्फ वेसल में भेजेगा, और फिर वो जाकर लिम्फ में जाकर मिल जाएगा फूड, और ब्लड और लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अभी स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, सॉरी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और थर्ड होता है इलियम, ठीक है। पहला है आपका क्या, ड्यूडेनम, दूसरा है क्या, जेजुनम, और थर्ड है क्या, इलियम। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना ड्यूडेनम के बारे में। ड्यूडेनम क्या है? द फर्स्ट एंड शॉर्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग और सबसे छोटा भाग जो होता है वो ड्यूडेनम होता है। ये सी के आकार का होता है, सी शेप्ड होता है, और ड्यूडेनम में फूड पूरी तरह से पच जाता है, यानी कि डाइजेशन जो होता है यहाँ पर, है ना, डाइजेशन जो होता है ये पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाता है, फूड जो है ना, फूड पूरी तरह से यहाँ पच जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट है यानी कि मिडिल पार्ट, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट जो है वो कहलाता है जेजुनम। जेजुनम क्या है? ये मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये प्राइमरी साइट है, प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो जेजुनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है, और यहीं से स्टार्ट होता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना, यानी कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का ये प्राइमरी साइट है, सबसे पहली जो जगह है वो जेजुनम है, यहीं से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट होता है उसको इलियम कहते हैं। इलियम ये लास्ट पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पर क्या होता है कि जेजुनम से एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, और इलियम आते आते न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर तो बहुत सारे होते ही होते हैं, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होते हैं, है ना, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होते हैं जो जूस रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। जो हम लोग जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड तो वहाँ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का, तो यानी कि बड़ी आंत का। तो आप यहाँ देखेंगे कि एलिमेंट्री कनाल यानी कि भोजन की जो आहार नली है, है ना, आहार नली है, उसका सबसे लास्ट जो पार्ट होता है वो आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। और बड़ी आंत कहाँ होता है? बड़ी आंत जो होता है राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के दाहिने तरफ जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को समझें तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं, वो कहलाता है आपका पहला सीकम, पहला पार्ट कहलाएगा सीकम, दूसरा पार्ट कहलाएगा कॉलन, और थर्ड पार्ट कहलाएगा आपका रिक्टम, ठीक है। सीकम क्या होता है? सीकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली जैसी, ठीक है, थैली जैसी स्ट्रक्चर होगी, और इसी से सीकम से ही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम होता है, है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम होता है, और इलियम सीकम से आकर जुड़ जाता है, ठीक है ना, इलियम कनेक्ट टू इट, ठीक है। सीकम से एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसको बोलते हैं वर्मी फॉक्स अपेंडिक्स, वर्मी फॉक्स अपेंडिक्स, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वर्मी फॉक्स अपेंडिक्स हमारे बॉडी में कैसा ऑर्गन है, वेस्टेजियल ऑर्गन है, जिसका अभी कोई खास काम नहीं होता, हैविंग नो फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हुआ सीकम के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं कॉलन और रिक्टम के बारे में। सो स्टूडेंट अभी हम लोग कॉलन की बात करेंगे। तो कॉलन क्या है? कॉलन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। कॉलन जो है वो सीकम और रिक्टम के बीच में होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और कॉलम में होता क्या है, कॉलम में वाटर एब्जॉर्ब होता है। अगर हम कॉलम को भी डिवाइड करने की कोशिश करें तो कॉलम के भी तीन पार्ट हो जाएगा, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन,
ठीक है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे रिक्टम का। रिक्टम क्या होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो है ना अंतिम पार्ट होता है आपका रिक्टम, ठीक है, सबसे अंतिम पार्ट होता है रिक्टम। अब यहाँ आप देखेंगे रिक्टम के बारे में कि रिक्टम क्या करता है, कोलन को कनेक्ट करता है एनस से। रिक्टम जो है वो कोलन को कनेक्ट करता है एनस से, और एनस क्या है, एनस जो है रिक्टम का, रिक्टम जो एक थैली होती है जिसमें मल जमा होता है, कर मल है ना बॉबल बॉबल पखाना, ठीक है, वो जमा होता है आपका इसमें। तो एनस क्या है, एनस जो है इस थैली का, रिक्टम हो गया मल, मल की थैली, ठीक है, और इस थैली का एक छेद होता है, बाहरी ओपनिंग होता है, ठीक है ना, जिसके जरिए जो है वावेल मूवमेंट होता है, खाना बाहर निकलता है। तो ये जो है एनस, रिक्टम जो है जोड़ता है कॉलन को एनस से, और एनस में क्या होता है, एक भाल्व होता है, एक है ना भाल्व होता है, चिपटा सा रिंग जैसा एक भाल्व होता है ना। रिक्टम में मल जमा हो जाएगा, और मल जमा हो जाएगा और वो क्या करेगा, मल जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और एनल स्फिंक्टर पर वो प्रेशर लगाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तब तब क्या होता है कि एनल स्फिंक्टर जो होता है वो खुलता है, और खुलता है तो इस तरह से बॉबल का जो है मूवमेंट बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। एनल स्फिंक्टर कहीं ना कहीं जो है मल को जो है ना क्या करता है, मल की जो मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है। जब ज़्यादा प्रेशर इस पर आने लगता है तब ये खुलता है, और जो मल जो होते हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं जिस होल के थ्रू, जिस छेद के थ्रू, उसको बोलते हैं एनस,